आठवां भाव केतु। केतु कल्पना शक्ति का प्रतीक है, इमेजिनरी पावर का, इंट्यूटिव पावर का प्रतीक है। इंट्यूटिव पावर, इमेजिनरी पावर, डीप डीप ज्ञान या आकाशिक ज्ञान, यानी कि एक कॉस्मिक एनर्जी, इसका प्रतीक है। एक पूर्णता की प्राप्ति यानी कि कंप्लीशन, सेल्फ कंप्लीशन का प्रतीक है। इसलिए ये भाव वैवाहिक जीवन में तर्क इस भाव से देखा जाएगा। वैवाहिक जीवन में या किसी भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड का डिस्कनेक्ट इस भाव से हम देखेंगे। डिस्कनेक्ट भी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। सातवां आठवां भाव ज्ञान का सूचक, ज्ञान का सर प्रतीक। कनेक्ट एज वेल एज डिसकनेक्ट बोथ ना, डिस्कनेक्ट देखेंगे, तर्क। डिसकनेक्ट। ओके सर, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक या कल्पना शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी या आकाशिक ऊर्जाओं का प्रतीक। यहाँ से डिस्कनेक्ट से सेपरेशन ऑफ वर्ल्ड, सेपरेशन से हम विदेश यात्रा भी देखेंगे यहाँ से, क्योंकि वो भी एक प्रकार का सेपरेशन होता है। बी गुड नॉदर इज बट इट्स अ सेपरेशन। तो विदेश यात्रा भी हम यहाँ से देखेंगे आठवें भाव से। ठीक है। अब आठवें भाव केतु के जो दोस्त है, केतु के दोस्त का मंगल, केतु का परम मित्र है और शुक्र। सूर्य चंद्रमा राहु शनि केतु के शत्रु कहलाते हैं। सूर्य चंद्रमा राहु शनि केतु के शत्रु कहलाते हैं और गुरु बुध केतु के सम कहलाते हैं। गुरु अरे बुध सम सम मतलब क्या होता है सर? सम मतलब न्यूट्रल। इक्वल।